कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट मछली मंडी को बंद कर दिया गया है। इस मछली मंडी को बंद करने की वजह है कोविड-19 के मरीज का मिलना। दरअसल कोरोना के कुछ मरीज मिले हैं जिनका आना जाना इस मछली मंडी में था। कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने मछली मंडी को बंद करने का निर्देश दिया है। दार्जिलिंग के जिलाधिकारी एस पोनबलम ने गुरुवार को ये निर्देश जारी किया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अचानक आए आदेश ने मछली मंडी के थोक विक्रेताओं की मुश्किल बढ़ा दी है। यहाँ वायरस के वजह से लॉकडाउन यानी बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है मछली मंडी। कितने दिन के लिए? एक सप्ताह के लिए। तो मतलब कहाँ कहाँ से ये मछली आता है इधर? ये गुवाहाटी, आसाम, पटना, आंध्र प्रदेश, सब जगह से ही आता है, बाहर बाहर से। तो ये दिक्कत आप लोगों को शायद हो रही होगी, क्या क्या कहेंगे? दिक्कत हो रहा है कि जो गाड़ी में जो माल है सो गाड़ी में है, जो गद्दी में है सो गद्दी में ही है। तो 7 दिन के बाद, 7 दिन में क्या ये मछली खराब हो जाने के चांसेस है? हाँ। यहाँ से माल कहाँ कहाँ जाता है नॉर्थ ईस्ट में? ये जाता है धूपगढ़ी, फलाकाटा, असम, गुवाहाटी, सब जगह जाता है।